इसीलिए कोई इंटरेस्ट रेट यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। उससे छोटे के जो भी ट्रेड्स रहेंगे, जो भी छोटे ऑर्डर्स रहेंगे, वहाँ पर आपका ब्रोकरेज 0.05% की रेट से अप्लाई होता है। आज के वीडियो में मैं आपको ग्रो के सारे चार्जेस के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहाँ पर हम इसके ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में जानेंगे, मार्जिन चार्जेस के बारे में जानेंगे, इसके अलावा इनके हिडन चार्जेस क्या लगते हैं उनके बारे में जानेंगे, यूएस स्टॉक्स भी ग्रो ने अब इनेबल कर दिया है उसके बारे में भी, उसके चार्जेस के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। गाइज इस चैनल पर हम डीमैट अकाउंट से रिलेटेड इसी तरीके के डीमैट अकाउंट के चार्जेस के वीडियो बनाते रहते हैं, डीमैट अकाउंट के कंपैरिजन के वीडियो बनाते हैं, डीमैट अकाउंट के फायदे और नुकसान उनके रिव्यू वीडियोस बनाते हैं। यहां पर हम चैनल पर कोशिश करते हैं कि डीमैट अकाउंट से रिलेटेड और दूसरे जो इन्वेस्टमेंट ऐप्स हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं हो, और इनके जो फ्रॉड्स होते हैं, कोई छोटे मोटे स्कैम वगैरह प्रॉब्लम्स जो इनमें आती रहती हैं, उनके ऊपर भी हम खुल करके इस चैनल पर आपके साथ एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो गाइज बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रो के चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइज, यहां पर ग्रो जो है, जब आप किसी भी ब्रोकर के पास ट्रेड करते हैं तो आपके कुछ रेगुलेटरी चार्जेस भी लगते हैं। तो रेगुलेटरी चार्जेस जो है गाइज, यहां पर मैंने चेक कर लिया है, ग्रो के जो रेगुलेटरी चार्जेस हैं वो अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा के बराबर ही हैं, उनमें कोई भी मेजर डिफरेंस ऐसा नहीं है। तो उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस कर चुका हूं, मैं अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा वाले जो वीडियोस हैं वहां पर मैंने जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं, जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, उनको मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल से। तो पांच तरीके के चार्जेस होते हैं गाइज, एसटीटी होता है, स्टैंप ड्यूटी होता है, एक्सचेंज फीस होती है, सेबी की फीस होती है, डिपॉजिटरी फीस होती है। तो इनको मैंने वहां पर डिटेल से बताया था, तो आपको आई बटन में मैं लिंक दूंगा, जाकर के उन वीडियोस का वॉच कीजिएगा। तो बिल्कुल सेम चार्जेस हैं, आप इनकी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, वो चार्जेस सारे मेंशन कर रखे हैं। अब हम बात करते हैं इनके जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं उसके बारे में। तो गाइज यहां पर आपको अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री मिलती है, अकाउंट मेंटेनेंस भी आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, आपको कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। बात करें इक्विटी डिलीवरी की, तो इक्विटी डिलीवरी में और इक्विटी इंट्राडे के केस में आपको यहां पर जो ब्रोकरेज एप्लीकेबल होता है वो होता है 20 रुपी या 0.05%। अब यहां पर 20 रुपी और 0.05% में से जो भी लोअर होता है वो चार्ज अप्लाई होता है। अब ये अप्लाई कैसे होता है गाइस, जब आप छोटे ट्रेड्स करते हैं तो 0.05% की रेट से अप्लाई होता है। जैसे कि अगर आप 10-20 हज़ार रुपये का ट्रेड करेंगे, मान लीजिए आपने 10 हज़ार रुपये का ट्रेड किया, तो उसका जो 0.05% होगा वो होगा गाइस 5 रुपये। तो वहां पर 10 हज़ार रुपये के ट्रेड पर आपका ब्रोकरेज 20 रुपी नहीं बनेगा, वहां पर आपका ब्रोकरेज 5 रुपी बनेगा। तो इस तरीके से जब आपका ब्रोकरेज 20 रुपी बनने लग जाता है जिस अमाउंट के ट्रेड्स पर, तो गाइज ये जो अमाउंट आपका बनेगा, आपका जो 20 रुपी का ब्रोकरेज कटना स्टार्ट होगा वो होगा 40,000 के ऊपर के ट्रेड्स पर। यानी कि जब आप 40,000 रुपये से बड़ा कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वहां पर आपका इक्विटी डिलीवरी या इक्विटी इंट्राडे में 20 रुपी ब्रोकरेज अप्लाई होना स्टार्ट होगा। उससे छोटे के जो भी ट्रेड्स रहेंगे, जो भी छोटे ऑर्डर्स रहेंगे, वहां पर आपका ब्रोकरेज 0.05% की रेट से अप्लाई होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चार्जेस के बारे में। तो गाइस फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यहां पर फ्लैट 20 रुपी का ब्रोकरेज चार्ज अप्लाई होता है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि जो भी ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा उस पर 20 रुपी का चार्ज यहां पर अप्लाई होता है। तो इस तरीके से हमने ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में जान लिया। अब यहां पर कुछ हिडन चार्जेस भी हैं गाइस। हिडन चार्जेस के बारे में जानने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं इनके मार्जिन चार्जेस। तो गाइस यहां पर एक्चुअली मार्जिन चार्जेस कोई है ही नहीं, ग्रो में कोई मार्जिन चार्जेस नहीं है। ग्रो आपको क्योंकि डिलीवरी में कोई मार्जिन प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ये मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, और इंट्राडे में आपको मार्जिन जब आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको उसी दिन खरीद करके उसी दिन बेचना है, इसीलिए कोई इंटरेस्ट रेट यहां पर अप्लाई नहीं होती है। लेकिन अगर आप आपकी ट्रेड्स को, आपके इंट्राडे ट्रेड्स को ओपन छोड़ देते हैं और उन्हें क्लोज नहीं करते हैं तो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज अप्लाई होता है, जो सभी जगह होता है, ये कोई हिडन चार्ज नहीं है। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज जो है वो 50 रुपीज का पर पोजिशन प्लस GST, 50 रुपीज पर पोजिशन प्लस GST का चार्ज ऑटो स्क्वायर ऑफ के रूप में आपके ऊपर अप्लाई होता है। तो यहां तक हमने काफी सारे चार्जेस को डिस्कस कर लिया है। हिडन चार्जेस के बारे में बात करने से पहले एक बार यूएस स्टॉक्स के जो उनके चार्जेस हैं गाइस उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस यूएस स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कई सारे अलग अलग चार्जेस अप्लाई होते हैं। इन चार्जेस में गाइस जो चार्जेस होते हैं जनरली, जैसे कि जब आप फंड को, जब आप स्टॉक्स खरीदने जाएंगे तो वो जो स्टॉक्स हैं वो आपको रुपीज में नहीं मिलते, वो डॉलर्स में मिलते हैं। तो डॉलर्स में खरीदने के लिए पहले आपको आपके रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, तो वहां पर एक्सचेंज चार्जेस लगते हैं। अभी एक्सचेंज चार्जेस जो है, जो आपका जो बैंक है, जिस बैंक में आपका, जो बैंक आपका डीमैट अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, उस बैंक के ये चार्जेस लगते हैं। इसके बाद में गाइज आप जब वो यूएस स्टॉक्स को विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉल के टाइम पर जो चार्ज लगता है वो होता है $9 पर विड्रॉल, $9 पर ट्रांजेक्शन। हाँ, ये चार्ज होता है, यूएस बैंक चार्ज करता है गाइस इसे, क्योंकि जब आप इंडिया से डॉलर खरीदेंगे तो एक यूएस का बैंक भी यहाँ पर आपके ट्रांजेक्शन में एक रोल यूएस के बैंक का भी आता है। तो ये जो विड्रॉल चार्जेस है ये यूएस बैंक चार्ज करता है आपसे। इसके अलावा एक्सचेंज फीस चार्ज होती है गाइस $0.02
पर सेल ट्रांजेक्शन पे, सेल ट्रांजेक्शन पे लगती है एक्सचेंज फी। इसके अलावा यहाँ पर गाइज आपको अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट मेंटेनेंस जो है वो बिल्कुल फ्री दे रहा है ग्रो, यूएस अकाउंट ओपन करने के लिए बिल्कुल फ्री दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर ब्रोकरेज जो है, जो यूएस स्टॉक्स खरीदने के लिए ब्रोकरेज ग्रो है, वो अभी आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। तो यहाँ तक हमने ब्रोकरेज चार्जेस को बात कर लिया, यूएस स्टॉक्स के जो चार्जेस हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो इनके हिडन चार्जेस हैं। तो गाइज यहाँ पर एक्चुअली कोई बहुत ज्यादा हिडन चार्जेस मुझे नहीं मिले, यहाँ पर एक ही मेजर हिडन चार्जेस जो मुझे मिला वो था 0.045% पर डे की रेट से आपके ऊपर एक चार्ज अप्लाई होगा अगर आपका जो अकाउंट है वो नेगेटिव में चला जाता है। तो गाइज एक पेनल्टी होती है अगर आपका डीमैट अकाउंट का जो बैलेंस है वो नेगेटिव हो जाता है, तो आपके ऊपर ये पेनल्टी है जो कई सारे दूसरे ब्रोकर्स भी चार्ज करते हैं, कुछ ब्रोकर चार्ज नहीं भी करते हैं, कुछ करते भी हैं। तो यहाँ पर ग्रो आपसे ये पेनल्टी चार्ज करता है, तो इस चार्ज के बारे में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अपने डीमैट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव में न जाने दें। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट हिडन चार्ज मुझे नहीं मिला। इसके अलावा गाइज यहाँ पर ग्रो जो है आपसे प्लेज करने पर, शेयर्स को जब आप प्लेज करते हैं तो उस टाइम पे भी कोई चार्ज नहीं लेता है, दूसरे ब्रोकर 20 रुपीज लेते हैं इस टाइम पे, लेकिन ग्रो आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा है, लेकिन अनप्लेज करते टाइम पे आपसे 20 रुपीज पर स्क्रिप्ट पर ट्रांजेक्शन ये चार्ज आपके ऊपर अप्लाई होगा जब आप अनप्लेज करेंगे शेयर्स को। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे जीरोधा ग्रो के का वीडियो देखना, ये जो पर स्क्रिप्ट पर ट्रांजेक्शन वाला जो फंडा है मैंने वहां पर उस वीडियो में क्लियर किया था, एंड स्क्रीन में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, आप जाकर के जरूर वॉच करना। तो ये ग्रो के सारे मोटे मोटे जो चार्जेस इन्होंने अपनी वेबसाइट पर शो कर रखे हैं वो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। अगर आप ग्रो में डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रो का भी, और जो दूसरे मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स हैं उनका भी, आप जाकर के वहां डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जाने से पहले गाइस रिक्वेस्ट रहेगी कि हमने अभी नया चैनल स्टार्ट किया है 57 गेम्स के नाम से, प्लीज आप उस चैनल को विजिट कीजिएगा, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर के वॉच कीजिएगा। गेम खेल करके पैसे कैसे कमाने हैं वो हम तरीके वहां पर आपको बता रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप 57 गेम्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।